और हमारा 2 दिन से पहले का सत्र बंद है आज के लिए। कल से पुनः आयुर्वेद पर आलोचना सत्र आरंभ हो जाएगी। तो अभी हमारे बीच में हेम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी उपस्थित हैं, और आप सभी से यही निवेदन है कि हमारा लिंक अधिक से अधिक औरों तक भेजें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस चीजों का लाभ ले, जिससे कि ये केवल स्वस्थ समृद्ध परिवार का ही कर्तव्य नहीं है, ये आप सभी का परिवार भी है, स्वस्थ समृद्ध परिवार आपका भी है। तो इस अभियान को बढ़ाने में आप भी योगदान दें अपना, जिससे कि यह कारवा और आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग यथासंभव निस्वार्थ भाव से जो कार्य करते आ रहे हैं, ये नियमित रूप से सदैव आप सभी के लिए करते रहे और यह कारवा आगे बढ़े, यह परिवार और बड़ा हो, जिससे कि हम अपना खुशहाल और समृद्ध और सुखी परिवार अपना बना सके, जिसमें हम सभी प्रयास करते रहे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ऐसी निवेदन और विनती है आप सभी से। तो हमारे बीच में डॉक्टर वेद प्रकाश जी होम्योपैथ चिकित्सा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि होम्योपैथ पर जो डॉक्टर साहब का विचार बने, व्याख्यान बने, वो बताएं औरों को बताएं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी से निवेदन है कि अपना विचार रखें। जी, सबों को नमस्ते। और मुझे केवल ये इस चीज है कि कोई विषय वस्तु आपकी तरफ से मिल जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ऐसे समय में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बोलना किस चीज होते हैं। ठीक आपकी है, आवाज कट जा रही है डॉक्टर साहब। अब जा रही है? हेलो, जी, अब आ रही है। हाँ जी, जी, आ रही है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि मुझे कोई विषय वस्तु दे दिया जाए, क्योंकि ऐसे समय में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे बोलना किस विषय पे है, जी, तो मैं लोगों अपने की तरफ से चाहत है। हाँ, तो मैं अपने तरफ से एक विषय लेना चाहता हूँ, जिस विषय पे मुझे रुचि भी है समझने का, जिस विषय पे सभी लोगों को जरूरत है, जिससे लोगों को थोड़ा भय भी रहता है, डर भी रहता है, ऐसे विषय पे जिससे कि लोगों को जागरूकता मिले, इस विषयों से डरने की जरूरत नहीं है, उनको सही जानकारी मिले तो अवश्य लोग उन चीजों से लाभ उठा पाएंगे और उन चीजों से बच पाएंगे। तो जितने दिन का सत्र लग जाए, मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब कैंसर की पोल खोलें, मैं कहूंगा कैंसर की पोल खोलें। कैंसर क्या है, कैंसर किस चिड़िया का नाम है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और उस चिड़िया को हम कैसे भगा सकते हैं। तो कैंसर पे विस्तार से आप चर्चा करके बताएं कि कैंसर के लिए किस प्रकार, कैंसर कई तरह के होते हैं, तो लोग इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी बचाव, इसका उपचार, और आने वाले समय में उसको ना हो, वर्तमान परिस्थिति में क्या गलतियां, और ये वर्तमान परिस्थिति में भी कैसे इन चीजों से बचे रहे लोग, इन सारी चीजों पे आप बात करते हुए लोगों को बताएं, जागरूक करें, साथ में होम्योपैथ उपचार भी बताएं, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। अब आए दिन भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक्सेस में आ रहे हैं। ठीक है, कैंसर के पेशेंट और खास करके वैसे लोग जो डबल डोज ले चुके हैं, उनके साथ ही ये बहुत ही काफी गंभीर स्थिति बन रही है। क्योंकि आए दिन हम, मैं पटना हेल्थ केयर में अधिकांशतः कैंसर के ही पेशेंट मैं देखता हूँ, जबकि कोविड के पहले इस तरह की कोई समस्या नहीं थी हमारे पास। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि भयानक रोग है, और कैंसर जो है सो क्यों है, लेकिन मैं आपको दूं, कैंसर है वो थोड़ा सा हट करके सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब मेरी आवाज पहुंच। हेलो, डिस्टर्बेंस है। पहुंच रही है लेकिन बीच बीच ब्रेक हो हेलो। रही है सर। हाँ जी सर, बोल। डॉक्टर साहब, आपके नेटवर्क में कोई क्या इशू है? कर रहे हैं? ऐसा करते हैं, जरा सा
दो मिनट समय देंगे, मैं देखता हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट करके। हाँ जी हाँ जी। जरा सा दो मिनट रुकेंगे, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ स्पीकर था। वहां से स्पीकर देखे हैं। जरा सा वन मिनट। आर्यन स्पीकर देख। हेलो, आप आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। अब आवाज जी ठीक है जी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मुझे मोबाइल से प्रॉब्लम हो रही थी, अब ब्लूटूथ से ठीक हो गया। मैं ये कह रहा था, कैंसर से लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, धैर्य पूर्वक इसका सामना करें। तो ये मामूली सर्दी खांसी से थोड़ा सा भिन्न है। हाँ, कैंसर से जो है सो अगर जैसा कि अगर एलोपैथ में जाते हैं तो रेडिएशन थेरेपी हो गया या कीमोथेरेपी हो गया या हार्मोनल थेरेपी हो गया, तो ये सारे के सारे दुष्प्रभाव ही पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि संक्रमण भी होने लगता है, वोमिटिंग टेंडेंसी बनती है और पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। और ये सब थेरेपी देने से वीकनेस इतना एक्सेस आता है, इतना एक्सेस आता है जिसका कोई कहना मुश्किल है। ये तो वही बता सकता है जिसको हो चुका है और जो रेडियोथेरेपी अथवा कीमोथेरेपी अथवा हार्मोनल थेरेपी ले चुका है। लेकिन होम्योपैथ में इसका बहुत ही सटीक इलाज है। सबसे पहली चीज मैं आपको जानकारी दे दूं इसके उपचार के बारे में। तो होम्योपैथ में मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। हेलो, कॉपी और मैंने कल आप लोगों से आग्रह किया था कि कॉपी और पेन ले लें। तो होम्योपैथ में एक मेडिसिन आती है कार्सिनोसिन, नोट कर लेंगे। चैट में एंट्री कर दीजिए ना। तो कार्सिनोसिन का सिम्टम्स जो है, तो अगर परिवार में कैंसर किसी को हुआ है या उस पेशेंट को आपको लग रही है कि उस पेशेंट कैंसर हो सकता है, तब आंख बंद करके आप
कार्सिनोजेन का उपयोग कर सकते हैं 1 month वीकली, यानी सप्ताह में जो कार्सिनोजेन सर जी आवाज क्लियर डॉक्टर साहब फिर से आवाज घर पर आ गए जी, मुझे लगता है डॉक्टर साहब के नेटवर्क थोड़े वीक है इसलिए अच्छा नहीं चल पा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि चैट पर करने आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आप लीव हो जाएं, आप फिर से उसके बाद जुड़े, हो सकता है कि क्लियर आवाज आए और हो सकता है कि कहीं आपका डेटा भी समाप्त हो। नहीं डेटा समाप्त नहीं है, डेटा मैं बता सकता हूं। क्लियर आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बार पुनः। जी बोलिए दीदी। हाँ भैया वो मेरे भाई के कंधे में कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, तो अरुण भैया का बताया हुआ इलाज किया, सोंठ और वो सारा जो काढ़ा बताया था उन्होंने किया, लेकिन और दीपक भैया ने जो बताया था कि धनिया और हल्दी और सरसों का लेप लगाने के लिए वो भी किया, लेकिन उससे दर्द तो कम मतलब ठीक हो गया काफी हद तक, लेकिन अभी क्या है कि जैसे कि हाथ ऊपर को उठाता है वो तो इधर उधर नसें खींचती है, मतलब दर्द महसूस होता है, वो पूरी तरह से जा नहीं रहा है। तो उसकी कोई आयुर्वेदिक दवाई है क्या, क्या कोई तेल मलम? आयुर्वेद की दवा मिल जाएगी अफ्रीका में? हेलो जी भैया आवाज आई आपको मेरी? मैं बोल रहा हूँ आयुर्वेद की तेल अफ्रीका में मिल जाएगी? नहीं मैं वो अफ्रीका में नहीं है, वो तो वहीं पे है, मैं अफ्रीका में हूँ वो तो गुड़गांव में है। अच्छा केवल दर्द है? हाँ सिर्फ दर्द है, सूजन नहीं है, जैसे हाथ ऊपर की तरफ लेता है या आगे की तरफ बढ़ाता है, सीधा रखता है तो उतना दर्द नहीं है। उसने मुझे बोला कि ऊपर की तरफ खींचता है या पीछे की तरफ लेता है तो नसें खींचती हैं, तो उसकी वजह से दर्द है अभी भी। जो आपने बताया था और अरुण भैया ने बताया था वो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से जा नहीं पा रहा है उससे। उसके लिए आप दर्द वाला लाल तेल भैया ने बताया हुआ मालूम है आपको? हाँ हाँ वही बताया है, तो एक तो अरुण भैया ने मुझे काढ़ा बताया था, दीपक भैया ने क्या एक वीडियो देखा था उसमें धनिया और हल्दी बताई थी वो बताया था, जो तेल है वो लाल तेल जो बनाया हुआ था वो बना रखा हुआ है घर में, उससे मालिश भी हो रही है लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा उससे। वो तो एनी टाइप ऑफ पेन स्वेलिंग इंस्टेंट रिलीफ है उसका, तो बहुत मतलब वो तो एक अमृत की तरह है, तेल नहीं वो अमृत है एक तरह से।
गुनगुना जी करके जी लगा रहे हैं। हाँ वो नहीं पता मेरे को, वो मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन तेल तो क्योंकि वो पहले बहुत पहले ही बना के रखा हुआ था घर में, क्योंकि मावा के लिए अगर दर्द हो जाता है तो उनको लगाना पड़ता है, हाँ तो जी वो तेल तो घर में है ही है। लेकिन ये दो चीजें जो अरुण भैया और दीपक भैया ने बताई थी, वो चोट लगने के बाद लगातार की गई है, लेकिन उससे फायदा हुआ है, सूजन कम हुई है। लेकिन जैसे हाथ ऊपर खींचता है, जैसे हम हाथ ऊपर उठाएं या आगे की तरफ लें, कोई भी आपके मूवमेंट पास हो शोल्डर में, आप उनसे शोल्डर में पूछे, क्लोज। हाँ जी की गुनगुना करके लगाएं तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है उसका। ठीक है, मैं वो भी बोल दूंगी। धन्यवाद दी। हाँ जी थैंक यू। दीपक भाई और सवाल ले लो, कोई नहीं। वेट देखना मेरी आवाज क्लियर भैया जी, थोड़ी। आ रही। हाँ वैसे चलेगी। जी, गोविंद भैया जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है दीदी, आप जो अपने अभी जब जिस भाई के लिए बता रही थी, चोट जी भैया। लगी हुई है पहले? हाँ हाँ भैया, वो ना गिर गया था तो उसके कंधे में चोट लगी, तो क्या बोलते हैं, उसका मांस फटा हुआ था। तो जो भी आपके मतलब आपके थ्रू भैयाओं ने इलाज बताया वो किया, लेकिन उससे असर तो हुआ। अभी काफी टाइम हो गया, जैसे हाथ में शोल्डर में कोई भी मूवमेंट होता है तो वो अभी भी दर्द है, वो दर्द जा नहीं रहा है कंप्लीटली। आप ना हरजिंदर भी आप चैट पे लिख दीजिएगा, होम्योपैथी अरनिका और रस्टक्स, पोटेंशियल होम्योपैथी अरनिका 200, रस्टक्स 200, इन दोनों की दो दो बूंद दिन में 3 बार, खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद, जब मुंह में किसी तरह का स्वाद और गंध ना हो। जी भैया। और जैसे अभी दीदी ने बताया ना, स्वाति दीदी ने, कि आप लाल तेल अगर बना रखी हैं तो उसको हल्का जी गुनगुना करके लगा के, और उसके बाद सिकाई कीजिए किसी भी पोटली बना के, चाहे अजवाइन की पोटली बना लें, चाहे नमक की बना लें, या जी सिर्फ कपड़े की पोटली बना के उसको सिकाई करा दें। और जब जो हम काढ़ा ले रहे हैं, हल्दी मेथी सोंठ जो भी आप मिला रखे हैं, ठीक है, जी तो जी उसकी क्वांटिटी कम करके ड्यूरेशन बढ़ा दें। अगर मान लीजिए दो दो चौथाई चम्मच ले रहे हैं तो चौथाई चम्मच ही से थोड़ा कम कर दें, लेकिन दिन में 4-5 बार करा दो, कुछ दिनों तक, कुछ दिनों जी तक। भैया, करें। ठीक है भैया और हल्दी मेथी सोंठ अगर ले रहे हैं और उससे भी इतना जी। कि दो, मतलब दो चुटकी हल्दी, दो चुटकी मेथी, दो चुटकी सौंठ, दो चुटकी अजवाइन, 1 कप दूध में अच्छे से जी उबालो, बढ़िया सा चाय जी की तरह बने, गर्मा गर्म पीने के लिए दे दो। ठीक है, जी अगर वर्किंग है तो कम से कम सुबह और रात को 2 टाइम तो जरूर करा दो। और जी भैया खट्टी चीजें बंद कर दो, बोलो खट्टा भी कुछ ना खाए। जी भैया, ठीक है भैया, ठीक है धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और किसी का सवाल है तो नहीं है तो मैं, एक आज का एक सवाल आया था सुबह का, मैसेज था कि मेरे पति जो है मेट्रो में, उनके पति वर्किंग कर रहे थे, तो मेट्रो की कोई 440 वोल्ट का जो होता है ट्रांसफार्मर या कुछ फट गया, वहां से चिंगारी निकली और चिंगारी उनकी आंखों में चली गई, तो उससे आंख पूरी तरह से लाल हो गया, आंखों में जलन और दर्द बहुत हो रहा था। मैसेज आया, भैया जल्दी बताओ। तो मैंने उनको होम्योपैथ की दवाई बताई, दवा में था बेलाडोना, यूफ्रेसिया, आर्सेनिक और सिम्फाइटम। जो मैंने उनको बोला जो जो दवा है घर में वो, और घरेलू चीजें दवा है या नहीं है, सबसे पहले घर की चीजें करें। घर की चीजों में आपके घर में त्रिफला है, आंवला है, धनिया है, तीनों में से कोई भी 1 चम्मच लो, 1 गिलास पानी में डाल के उबालो, जब वो चौथाई रह जाए ठंडा करके छान के, उससे आंखों की
सफाई करनी है, आंखों में डालना है और उसके बाद घी लगाना है या अरंड का तेल। मात्र उन्होंने दो बार किया और संयोग से उनके पास होम्योपैथ की दवाई पहले से और पड़ोसी के पास पड़ा हुआ था, क्योंकि ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो जो दो चार साल से जुड़े होते तो कोई ना कोई दवा किसी न किसी के घर में जुड़ी रहती है। तो एक दोनों दोनों उनके पास मिल गया आर्सेनिक और पड़ोसी के पास मिल गया और मात्र 4 घंटे बाद उनका मैसेज आ गया कि भैया पूरी तरह से आराम मिल गया। जो लालीपन ऐसा लग रहा था जैसे खून फटक जाएगा, अब खून बहेगा कि कब खून बहेगा, जो आंखें खुल नहीं रही थी वो आंखें पूरी तरह से खुलने लग गई। अब इसमें सोचने वाली बात है कि कितना होम्योपैथ ने काम किया और कितना घरेलू ने। ये तो जो डॉक्टर होंगे वो बता सकते हैं या जो भी है, लेकिन एक भाई होने के नाते और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के होने के नाते हमने, क्योंकि मुझे मालूम है कि दोनों चीजें असर करती, अगर होम्योपैथ की दवा नहीं भी होती तो घर की चीजों से भी होता, लेकिन एक दो भाइयों ने मिलके एक आंख के ऐसे केस को सॉल्व किया कि अगर वो डॉक्टर के पास जाते तो ना जाने 5 से 10 हजार रुपए तो कहीं नहीं जाने थे, जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई थी। मैं तो जो भैया करंट कह रहे हैं वहां तो करंट ही बहुत तगड़ा है, मेट्रो में तो बहुत ज्यादा। ये डीएमआरसी नहीं, नहीं, नहीं वो एक्चुअली जो मेट्रो के जो दूसरे काम होते हैं ना टेक्निकल उस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, हाँ उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुई जिसकी वजह से उसकी चिंगारी उनके आंखों में आके लग गई। हाँ जी, और उधर का तो शॉर्ट ही बहुत खतरनाक है मतलब। और सबसे बड़ी बात इस बात का है कि हॉस्पिटल जाने के बजाय वो कहते हैं जी पहले भैया को मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार वालों को फोन करके पूछो वो क्या कहते हैं। आर्सेनिक बेलाडोना कौन कौन सी बोली थी आपने? आर्सेनिक बेलाडोना यूफ्रेसिया आंखों की उत्तम औषधि है। यूफ्रेसिया ये नहीं, यूफ्रेसिया आंखों की कई सारी समस्याओं के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है और यही यूफ्रेसिया जिनको बार बार जुकाम होता है उसकी भी बहुत अच्छी औषधि है। पानी आंख से बह रहा है जुकाम के कारण, ऐसा जुकाम जो आंख से पानी बहे, नाक से तो बहता ही बहता है आंख से भी बहना शुरू हो जाए तो उस वक्त इसी दवा को याद किया जाता है। तो आज मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आज ये एक बड़ी उपलब्धि है कि रसोई घर और होम्योपैथ ने उन्हें हॉस्पिटल जाने से बचाया और आज मतलब मात्र 4 से 5 घंटे में पूरी तरह से स्वस्थ, आंखों का लालीपन ऐसे छट गया जैसे लग रहा है कि मतलब बादल छट गए। भैया जी गर्दन में मल पड़ जाए तो उसके लिए अनिका है ना, अनिका मौन। देखो मोच जब भी कभी मोच आए तो मोच में सब अरनिका बहुत उत्तम औषधि है। मोच और मुक्का मार, जैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुक्का मारा है ऐसा दर्द हो तो उसमें अरनिका को याद किया जाता है, बहुत अच्छी दवा है अरनिका। और अगर होम्यो घर की चीजों में बात करें तो जब भी कभी चोट लगे मोच आए तो हल्दी चूना सरसों तेल का गुनगुना लेप बहुत ही अच्छा माना जाता है। हल्दी चूना सरसों का तेल कम ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने चूना ज्यादा मिला दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, हल्दी ज्यादा मिला दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, तेल सिर्फ इतना मिलाना है ताकि वो मल्हम जैसा बन जाए, गाढ़ा लेप बने। अब पता चला तेल ऐसा बना दिया कि दाल हो गई तो वो तो उसको लगेगा ही नहीं। तो ये चीजें, और अगर बहुत ज्यादा अगर आपको आपको लगता है कि चोट लग गई और खून जम गया है तो फिटकरी के सेवन करने से भी खून उस जगह से जमा हुआ खून खत्म हो जाता है। तो फिटकरी को सेवन करने के लिए 2-3 चुटकी आधे कप पानी में 1 कप पानी में उबाल के पीजिए 2-3 बार। चोट के कारण अगर कहीं खून जम गया हो और यही फिटकरी रक्त स्राव को भी रोकता है, मतलब जहां ब्लीडिंग हो रही है उसको भी जाम करता है और जहां ब्लीडिंग ब्लड जम गया उस ब्लड को भी खोलता है।
घर की चीजों में अजमाइन है, मेथी है, सौंठ है, गेहूं है, गेहूं की भूसी है, गेहूं की भूसी जो आप चोकर जिसको कहते हैं, गेहूं के चोकर को आप पानी में डाल के उबाल लो और जिसमें सूजन हो रखी है, दर्द हो रहा है चोट के कारण, उसमें अपने हाथ को डुबो दो या जो उस चीज को उसको डुबो के रखो, सूजन तुरंत उतरती है, दर्द तुरंत खत्म होता है। भैया जी वो फिटकरी का क्या बताया आपने, आवाज कट रही। फिटकरी चोट में कहने मतलब चोट में भी बहुत अच्छा काम करता है, अगर चोट की वजह से खून जमा हुआ है तब भी और खून बह रहा है तब भी, दोनों ही कंडीशन में फिटकरी काम करता है। तो भैया जी उसको पीना है क्या? पीना भी है और अगर कटा हुआ है तो उस पे डालना है। कितना पीना है? मतलब एक दो चुटकी फिटकरी एक कप पानी में घोल के, जिससे कि स्वाद ऐसा हो जो जीभ को खराब ना करते। भले एक्चुअली क्या है, हम ना घर की चीजों में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ऐसा बनाओ कि सामने वाला दूसरी बार भी लेने को हाँ बोल दे। भले हमें दो या तीन बार चार बार खिलाना पड़ जाए, वो मंजूर है। तो एक दो चुटकी फिटकरी एक कप पानी में घोलने पे उसका स्वाद जीभ को नहीं काटता, मतलब जीभ को टेढ़ा नहीं करता, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे जीभ बंद सी गई है। अगर फिटकरी ज्यादा हो जाए तो नुकसान कुछ नहीं करेगा। फिटकरी के तो कई फायदे हैं, मतलब 2 रुपए की फिटकरी मैं अगर पोस्ट के रूप में उसको भेज दूं तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि मेरे घर में फिटकरी क्यों नहीं है, किस जगह काम नहीं आती। सुंदरता चाहिए वहां काम आता है, जीवा हो रखा वहां काम आता है, सोरायसिस हो गया वहां काम आता है, खुजली हो रही है वहां काम आता है, इन्फेक्शन हो गया वहां काम आता है, तरीका सब जगह भाई। भाई फिटकरी को क्या कर सकते हैं, या पी सकते हैं या लगा सकते हैं। खांसी हो रही है तब, सूखी खांसी हो रही है तो फिटकरी, गीली खांसी हो रही है तो फिटकरी, दमा का अटैक आया तो फिटकरी, बवासीर में पाइल्स में खूनी बवासीर है तो फिटकरी, मस्से वाली बवासीर है तो फिटकरी। भैया दमा खांसी में सूखा दमासा लग रहा है, मतलब फंदा टाइप का, सूखा फंदा टाइप का लग रहा है, क्या उसमें भी फिटकरी दे सकते हैं? और क्या सूखा फंदा टाइप का लग रहा है? सूखा फंदा मतलब बार बार खांसना पड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे गले में सूखापन हो गया है। हाँ जी, अगर गीली खांसी है तो आप उसे गुनगुने पानी में घोल के पीजिए, ठीक है। सूखी खांसी है तो दूध में घोल के पीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, धन्यवाद। और गला चौक हो जाए, आवाज नहीं निकल रही हो तो फिटकरी को चूस लीजिए। अगर बाथरूम रुक गया है तो आप बाथरूम, किसी का बहुत बाथरूम रुक गया तो आप फिटकरी का पानी बना के उसको पिला दो, या फिटकरी का जो टुकड़ा है उसको थोड़े से पानी में उसको 10-12 बार घुमा दो और उसके बाद उस पानी को पिला दो। जी जी, देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम अगर घरेलू उपचार की जानकारी जानते हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर हमारे सामने समस्या आई और हमें जो मालूम है हमने उसका इस्तेमाल किया, रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो चीज फेल है। हो सकता है 100 में 90 लोगों को काम करे, 10 को नहीं करेगा, तो 10 के लिए फिर भाई दूसरे उपाय करेंगे या नजदीक के चिकित्सक से मिलेंगे। जी भाई, हमारे जो देश के यहाँ ब्रह्मांड में जितने डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो भी तो सुबह सुबह पूजा करते हैं कि आज हमारी बोहनी अच्छी चले, और जब उनकी भगवान उनकी सुनता है तो हम बीमार हो जाते हैं। सही बात है जी। भैया जी बच्चे को भी पिला सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, मतलब यहाँ तक कि नवजात शिशुओं को भी दिया जाता है, लेकिन नवजात शिशुओं को ध्यान रहे कि फिटकरी हमेशा भुनी हुई फुलाई हुई फिटकरी दी जाती है, और इतना ही देना होता है जैसे आपने फुलाई हुई फिटकरी के पाउडर में उंगली को लगाया और उंगली पे जो चिपक गया उतना ही उनकी मात्रा है। नवजात शिशुओं को कोई भी दवा देनी हो, चाहे वो 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, 1 साल का है, मतलब
तीन चार महीने, पांच महीने, छह महीने तक, तो उनकी दवा की मात्रा कोई भी हो, आपने कई बार सुना जायफल घिस के चटाओ, आप जायफल घिसते हैं तो उसमें जायफल कितना आता होगा, इतना ही आता होगा कि हमारे जायफल के बारीक पाउडर में आपने उंगली लगाया, और उस उंगली पे जितनी लगा हुआ है वही उसकी खुराक है। जी मैं ये कह रहा था खांसी में जैसे अगर महिला प्रेग्नेंट है तो क्या उन्हें भी दे सकते हैं? हाँ जी ठीक है। तो फिटकरी आप ये समझिए कि अगर गर्भावस्था में रक्तस्राव चालू हो जाए और गर्भपात होने का भय हो तो क्या प्रयोग कराया जाता है, दोनों ही तरीके से, पीने के रूप में भी और गर्भाशय के मुंह से पानी में घोल के उस घोल में रोई की भट्टी बना के या कपड़े की पोटली मतलब जो भी चीजें उसमें भिगो के वहां पे गर्भाशय के मुंह पे रहने रखने से रक्तस्राव रुक जाता है और गर्भाशय का जो मुंह खुल जाता है वो बंद हो जाता है। जी ठीक है जी। भैया जी जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मतलब उनका खून जम गया या बहुत गाढ़ा खून होता है या खून के थक्के बन जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मतलब दे सकते हैं हम लोग? हाँ जी, ऐसे अगर जिनका खून गाढ़ा हो रखा है उसके लिए अपने जो आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, जो भी अपने रसोई घर की औषधियां तिक्त स्वाद की है, तिक्त स्वाद की कसैला लिए वो खून को पतला करती है। मैं पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है मैंने कब देखा है, मुझे उसको मैं कोट करना था अपने स्टेटस पे कि हरी मिर्च और लाल मिर्च खाने वाले, हरी मिर्च और लाल मिर्च खाने वाले मोटे नहीं होते। तो मैंने इसको फिर प्रैक्टिकली तौर पे देखा कि ये वाकई सही बात है क्योंकि मेरी धर्म पत्नी मुझसे ज्यादा मिर्ची खाती है, मतलब मैं तो खाता ही नहीं, वो तो बिना मिर्ची के तो उसका ना सुबह होती है ना शाम ना रात होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसके पतलेपन का असली राज यही है कि वो मिर्ची ज्यादा खाती है, अगर उस हम उसको माने जहां पे मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से। खैर उसका एक राज दूसरा भी है कि हम 80 सीढ़ियां ऊपर और दिन में 10 से 15 बार ऊपर नीचे हो जाती है, पैर में चक्का लगा रहता है। ज्यादा मिर्च खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? लाल मिर्च तो नुकसान नहीं करती? मैं कल से आती तो हर चीज का नुकसान है। हम तो मैं तो जैसे भी नहीं खा सकती लाल या हरी भी नहीं। आती हर चीज का नुकसान। मिर्च को खाने का सबसे अच्छा तरीका अगर कहा जाए तो उसको आग पे तो बहुत अच्छा। आग पे क्या करना? मतलब आग पे भून कर हल्का सा जलाकर जैसे छौंक लगाने के लिए आप बनाते हो। अच्छा अच्छा। और मिर्च में तो सबसे अच्छी काली मिर्च है, मतलब काली मिर्च कोई खा सकता है। अपने हमारे मेट्रो में एक दीदी है दीपिका नाम की, 2016-17 में मतलब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने काली मिर्च गोली बढ़ाते हुए एक एक दाना बढ़ाते हुए मतलब 250 दाने तक गई थी 250 दिन में, और उन्होंने अपना वजन मतलब जो हाथी जैसा शरीर था उसको स्लिम कर लिया काली मिर्च से। हाँ जी। तो मतलब ऐसे ऐसे उपचार हैं जिसको मतलब उन्होंने एक मिर्च रोज बढ़ाया, आज एक काली मिर्च, कल दो, परसों तीन, इस तरीके से 250 काली मिर्च का मतलब उन्होंने सेवन किया। 250 अब ये खाली पेटी है क्या? यहाँ पे नहीं नहीं वो उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा भैया मैं तो रात को लेती थी क्योंकि अगर सुबह लिया और गलती से गर्मी ज्यादा मतलब तीखा ज्यादा लगा तो ऑफिस कौन जाएगा। हमेशा
कुछ चीजें ऐसे काम ना रात को करने चाहिए ताकि 12 घंटे आपके पास है। आपने देखा होगा हम लोग कब्जनाशक औषधियां जो है त्रिफला या अरंड का तेल रात को सोने से पहले पिए, क्यों भाई? अगर गलती से पता चला 12 बजे ही लग गया, 10 बजे ही लग गया, दस्त ही लग गया, किसी को नहीं सूट किया और उसका टंकी चालू हो गई, दस्त ही लग गया, तो कम से कम रात भर में रिकवर तो हो जाएगा। 10 बार जाना होगा रात भर में चला जाएगा, और सुबह अगर हो गया तो बेचारे की ऑफिस की छुट्टी। अगर खूनी बवासीर है तो क्या दिया जाएगा? खूनी बवासीर में मैंने अभी जैसे बताया फिटकरी बहुत अच्छा काम करता है खूनी बवासीर में। कब दिया जाए, कितना? देखिए चने के दाने के बराबर फिटकरी का पाउडर आप एक गिलास पानी में घोल लें और इस पानी को 2-3 बार में पिला दें, फिर एक बार और बना के फिर एक बार और पिला दें। अगर सिर्फ फिटकरी का पानी पीने में अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इसमें सौंफ मिला सकते हैं, धनिया मिला सकते हैं और उसके साथ इसको उबाल सकते हैं। तो उसको मल द्वार में थोड़ा सा दाना टाइप हो गया, क्या हो गया? दाना टाइप का हो गया है तो आप सरसों के तेल में, कैस्टर ऑयल में या नीम के तेल में, अरंड का तेल है तो इसके अंदर फिटकरी का बारीक पाउडर मिला के रखें, चाहे तो मल्लम जैसा बना लें या चाहे तेल में ही मिला के रख दें, तेल पतला रहे और उस तेल को बार बार लगाएं। और जो आप फिटकरी का पानी बनाएंगे उस फिटकरी के पानी से सफाई करें। तो खाने के लिए फिटकरी आप इस तरीके से प्रयोग करें, ऐसे नहीं खा सकते आप, मक्खन में मिला के खाइए, फिटकरी को फुला के बारीक पाउडर करके रख लीजिए, 1/4 चम्मच फिटकरी का बारीक पाउडर, 1-2 चम्मच मक्खन अच्छे से मिला लें और उसको चाट दें, दिन में 2 खुराक ले लें। गोविंद जी आपसे एक सवाल ये पूछना था, जो मेरी भाभी श्री हैं उनको भी बड़े ऑपरेशन से पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उनका दूध क्यों उतरता है? अभी से मतलब 2-3 महीने का बच्चा हुआ है तो उसे हमें गाय का दूध देना पड़ रहा है अलग से। देखिए अगर आप जो भी गर्भावस्था के बाद जिस भी माताओं का दूध कम उतरता हो या नहीं उतर रहा है, बंद रखा है, कम आता है, तो सरल घरेलू उपचारों में मसूर की दाल खानी बहुत अच्छी उत्तम माना जाता है। मसूर की दाल ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, अगर आसपास में मिलता है तो शतावरी है, शतावरी का सेवन करें, मेथी का सेवन करें, रात को 2 चम्मच मेथी दाना दूध में डाल के छोड़ दें, सुबह उसको पीस के अच्छे से घी में भून के फिर उसी दूध में डाल के हलवा की तरह आराम से रबड़ी की तरह बना दें, मिश्री वगैरह मिला के उसको खा लें, उसके पीछे से हल्का गुनगुना दूध और पी लें। अरंड के पत्ते आते हैं, अरंड की जड़ है, अरंड का तना है, इन सबको ला के कूट पीस के अच्छे से पानी में उबालें और उस पानी से तेज धार गिराएं उसके ऊपर। सफेद जीरा आता है, सफेद मतलब जो जीरा होता है इसको जीरे को पीस के मतलब अच्छा सा गाढ़ा सा लेप बना के निप्पल के हिस्से को छोड़ के बाकी हिस्सों पे आप इसका लेप लगाएं। सफेद जीरा उबाल के सफेद जीरे का लेप बना के जी पीस के लेप बना के हाँ पानी में भिगो दे। देखो ये तो खुद की कॉमन सेंस है, इतना सा इतनी सारी बातें पानी अगर लेप बनाना है तो जीरा है, जीरे को कैसे लेप बनेगा पानी में? अगर आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है पानी में पहले भिगो के छोड़ दे जी, वो थोड़ा सा आवाज कट गई थी ना इस वजह से समझ नहीं पाए। हाँ तो लेप को लगा के छोड़ दे, उसके बाद फिर जब लेप को छोड़ाना है तो हल्के गुनगुने पानी से छुड़ा दीजिए जी। उसके अलावा आयुर्वेद मतलब अपना आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो शतावरी बहुत अच्छा है, और घर की चीजों में मेथी का सेवन तो हर प्रसूता बहन को करनी ही चाहिए, चाहे उसे तकलीफ हो या ना हो जी। कम से कम 40 दिन मेथी का सेवन करना चाहिए, मेथी के लड्डू बना के खाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उससे क्या है गर्भाशय अपनी जगह पे पहुंच जाता है और गर्भाशय के कई सारी समस्याएं और जो होती है वो सारी नष्ट हो जाती है।
दर्द सबसे सबसे ज्यादा अगर मेथी का प्रयोग अगर करते हैं उससे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है तो होता है प्रसूता में होने वाला दर्द, और उसके बाद प्रसूता के बाद प्रसूता में ही अगर आपकी ब्लीडिंग सही नहीं हुई, गर्भाशय की अच्छी सफाई नहीं हुई तो वही जाके आगे चल के सूतिका का रोग लगता है आपको। तो इसीलिए प्रसूता के समय लोग कहते हैं नहीं या मतलब जल्दी मेरा तो सब चीज जल्दी हो जाए, बस ये भी जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो जल्दी खत्म के करने के चक्कर में नुकसान हो रहा है। जी जी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथ में भी है दवाइयां कि अल्फा अल्फा टॉनिक दे सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत दूध आता है तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर लाके दे सकते हैं, मरूटा दे सकते हैं, बाकी उनके जो लक्षण होते हैं उसके हिसाब से जो अलग से दवाइयां होती है, डाइल्यूशन की सिकल कोर है, टीआरएसिमोसा है, लैक्टोफोटोरम है, ऐसी कुछ दवाइयां तो आप अपने नजदीक के होम्योपैथ के डॉक्टर से उनके लक्षण की जानकारी देके ले सकते हैं, नहीं तो एक बार चैट बॉक्स में होम्योपैथी की दवाई लिख के भेज देंगे सर। ये होम्योपैथ की मैं दो दवाइयों का नाम खुलेआम बोल सकता हूँ, बाकी जो है वो आपको जो उनके मेंटल सिम्टम है फिजिकल सिम्टम है उसके हिसाब से कुछ दवाइयां उनको अपने नजदीक के डॉक्टर से या जिनको भी है आप स्वस्थ भी परिवार के भी जिनसे भी है तो उनसे भी आप बात करके आप बाकी सिम्टम। लेकिन जो जनरल मेडिसिन है जो जनरल चलती है अल्फा अल्फा मदर टिंचर जनरल है, सवाल से लोगों पर जनरल है, आप इन दोनों का मदर टिंचर चौथाई का पानी में 10 से 15 बूंदे दिन में 3 से 4 बार पीजिए। जी, और कुछ नहीं है तो घर का मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊं, स्तन में दूध नहीं आता इस बात का तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मेरे लिए मेरी नानी माँ के 14 साल बाद दूध उतर सकता है, यानी कि भावनाएं ही नहीं है, मतलब इस वक्त कहते हुए शायद जो नहीं है भैया, भैया नहीं है, दुख से कहना पड़ेगा नहीं है, भावनाएं ही नहीं, भावना है, नहीं है भाई। मैं तो मैंने कई इतने केस देखे नहीं कि मेरा तो ऑपरेशन करा दो जी, और आखिरी में आपने दवाई लेके उस बच्चे को वो दे रहे हो 9 महीने आप भी प्राकृतिक दवाइयां दे रहे हैं तो नेचुरल चीजें बन, जबकि मैं अभी पीछे किसी किताब को भैया को मालूम हरजिंदर भैया को मैंने इनसे बोल के डॉक्टर की किताब मंगवाई है आयुर्वेदिक डॉक्टर की इसी चीज की, तो उसमें जब जो चीज लिखी थी बात वो बात सुन के तो मेरे को मतलब पढ़ने के बाद मतलब थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस कदर तक है, मतलब आप माँ बाप बनना, माँ बनना बस एक फॉर्मेलिटी हो गई है, चाहे उसके लिए IVF क्यों ना करा लूं, नकली माल ले लो, यही यही माल। एक काम बचा है जिसके लिए लोग एक दूसरे को मतलब लोग जैसे होता ना सर्विस लेना, यही एक काम बचा है लोगों का बस चले ना इसमें भी लोग बोले, मतलब इतना बुरा हाल है। और इसमें इसमें क्या है ना लेडीज की बात नहीं है, बात लेडी फिर भी समझती है कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी समझेगी, चाहे वो व्यसन में हो, आजकल कुछ लेडीज व्यसन में है पर वो समझती है एक एंड पे आके, बट फैमिलीज भी कुछ ऐसी हो गई है कि वो सपोर्ट में नहीं है चाहते ना चाहते हुए। हम अपने ही अच्छे को अपने काम को जो है उसके लिए आजकल हर आदमी जागरूक हो गया, सबको मालूम है कि अंग्रेजी दवाई कहीं ना कहीं नुकसान करती है, तो आप तो जीते जी अपने बच्चे के लिए नुकसान कर रहे हो, आप इंजेक्शन ले रहे हो, कैल्शियम वाली गोलियां खा रहे हो, मतलब सारी वो खा रहे हो भाई, और ऐसे तो कहेंगे जी मतलब हमें अच्छा चीज चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, तो भाई हर चीज अच्छी चाहिए तो इसके लिए भी अच्छा करो।
हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। वो कई महीने से वो तो मैं बात हुई थी डॉक्टर मनोज से, गोविंद भाई से बात हो रही है, तो आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह बताया उसको खा रहे तो गैस पर कंट्रोल तो है लेकिन खत्म नहीं हो पा रही है। अभी देखिए अभी थोड़ा सा खाना खा के हम बाहर निकले तो मित्र मिल गए तो थोड़ा सा फुचका वगैरह खाना पीना हो गया। आप तीन चार गलती है, वो आपकी गलती है ना भैया। पर इस तरह से मतलब एकदम जीरो अगर कुछ भी मतलब ना खाए तो कितने दिन समझ में खा पाएंगे सर? इस तरह तो एक आध महीने देखिए बर्दाश्त किया, ठीक है अब हमेशा आदमी कितने दिन खा पाए? तो भैया या तो जीव देख लो या शरीर देख लो। आजीवन मतलब अपने आप को शरीर को तो आप ठीक करो पहले। अगर आप चाहते हो कि मुझे गैस ना बने तो भाई कुछ दिन का भाई, अगर आज अगर आपको बोला जाए कि एनडीए का एग्जाम देना है तो एनडीए के फिजिकल और प्रैक्टिकल और सारी चीजों के लिए पढ़ाई करोगे ना, स्टडी करोगे ना, छह छह घंटे, आठ आठ घंटे, दस दस घंटे, बारह बारह घंटे, तो अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हो तो आपको करना तो पड़ेगा ही। आप सोचे कि हमें तो दवाई बता दो कि हम दवाई खाएं और ठीक हो जाएं और गलतियां करते रहें, तो भैया इसके लिए तो फिर भगवान मतलब ये कहते ना, मैंने बोला ना शुरू में अभी एक बात बताई कि डॉक्टर के घर वाले भी सुबह सुबह पूजा करते हैं, वो भी पूजा करते तो आप ही लोगों के लिए करते हैं फिर। ठीक है सर लेकिन फिर भी मतलब इतना भी तो मतलब अगर मान लीजिए रोज नहीं खा रहे हम तो कभी खाते नहीं बात, लेकिन फिर भी मतलब पहले मजबूत तो हो जाए उसके बाद गलती करिएगा। और शरीर वो तो ठीक है आज गलती हो गई लेकिन सही में सर फिर भी हम लोग बाहर का तो कुछ खाना ही छोड़े थे, बिल्कुल नहीं खा ही रहे। देखिए ऐसा तो आज खाया तो एक छोटी सी बात बताऊं, मैं मेरे को भी गैस बनती है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं गैस बनती, लेकिन मैं कभी उस गैस को अगर मेरे को महीने में एक दिन या अगर बन भी गई तो मुझे मालूम है मैंने गलत खाया, बन गई पानी खत्म, आगे कल नहीं खाऊंगा, दस दिन नहीं खाऊंगा। आप क्या चाहते हैं कि आपको एक ऐसे, तो फिर उसके लिए आपको जो है ना दूसरे जो जेब काटने वाले लोग उनके संगत में जाना पड़ेगा। आप तो सर फिर वही अगर अपने आप में बदलाव नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आप अपनी सफलता के लिए किसी भी चीज में सफलता के लिए आप इच्छा नहीं कर सकते, चाहे वो रोग। ये माइक दूर हो रहा है फेस से। सर अच्छा ये बताइए मतलब कुछ भी ऐसा शरीर में लग क्यों नहीं रहा, जो भी खा रहे हैं दिन ब दिन शरीर दुबला पतला होता जा रहा है जबकि हम बाहर का बिल्कुल छोड़ चुके हैं, गैस भी काफी कंट्रोल हो रहा है, तो फिर शरीर में मतलब कि जैसे खाने के बाद शरीर में मतलब दुबला पतला। ये सब करते हुए कितना टाइम हो गया भैया आपको? क्या करते हुए चूरन भाई मतलब नहीं, धनिया नहीं, मतलब ओवरऑल घरेलू चिकित्सा राजीव भाई इन सब चीजों को मतलब रसोई बदलना इस सब में कितना समय हुआ है? करीबन दो ढाई महीने से कर रहा हूँ। हाँ तो भैया दो साल लेके चलो मिनिमम, मिनिमम दो साल। यस और जब दो साल गुजर जाएंगे ना आपको एक एक दिन का हिसाब आपके पास रहेगा, ठीक है? मतलब आपको पता लग जाएगा कि मैंने कल ये खाया था और इसकी वजह से ये हो रहा है मेरे को, तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप ना खुद ही रसोई में जाओगे, खुद ही कुछ ना कुछ लोगे जिससे आप सही हो जाओगे एक ही रात में, एक दो ही घंटे में। सर दुख रहा है तो 10 मिनट में सर दर्द ठीक, गैस हो रही है तो अगली सुबह तक गैस ठीक, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। अभी आप पेशेंस मार के लगे रहो सब होगा, ठीक है? छोटी सी बात दीपक भैया कहना चाहेंगे, आपकी उम्र कितनी है जो नहीं हंसने वाली कौन सी बात पूछी गया? तो आपका वजन कितना है, बॉडी वेट? 54 किलो है सर। 54 किलो। हाइट कितना होगा लगभग? 5'3" तक है। कितना है? 5'3" तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन बहुत बुरा नहीं है, तो कैसे क्या दिखाते हैं तो कुछ लगता नहीं है? अब सर मतलब पहले के हिसाब से काफी मतलब वजन गिरते गए, मतलब काफी तो मतलब मेरा ऐसा है सर, मैं आपको मेरा हाइट जो है 5'7" है और मेरा वजन 54 kg है, तो आप तो मेरे से हाइट में कम है, तो वजन बहुत बुरा नहीं, वजन के अकॉर्डिंग आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। और ध्यान रखिएगा अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दीजिए कि हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत वीक हैं, ऐसा कुछ
सबसे पहले तो इन बातों को निकाल दीजिए, ठीक है। और रही बात दूसरी बात की, थोड़ा सा जी बताइए सर। वही सुबह सुबह से उठने के बाद हम लोग तो थोड़ा घरेलू काम भी करते हैं, मतलब मिट्टी वाले काम होते हैं ना सर, चाय बनाने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ जो चाय पी जाती है, तो उसके हम लोग घर में छोड़ दीजिए पहले तो सर। सबसे पहले अगर आप गैस की परेशानी से जूझ रहे हैं या सामना कर रहे हैं तो चाय, तो सुबह की चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं चाय पीते नहीं सर, चाय पीना छोड़ दिया, वो नहीं बोला। चाय वाली जो जिसमें चाय पी जाती है वो वाली बनाते हैं हम लोग, हमारे घर पे काम होती है उसकी। अच्छा वो बनाते हैं, अच्छा ठीक है। सुबह कहाँ, सुबह सुबह उसमें साढ़े पांच बजे लग जाते काम पे, साढ़े पांच क्या पांच बजे मान करके लग जाते काम पे, पांच साढ़े पांच उसमें तो लग जाते काम पे। तो मतलब जैसे सुबह का खाने के लिए दिक्कत हो जाती है, क्या खाए तो मतलब। अच्छा एक एक छोटी सी बात मुझे आप बताएं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं आप, सुबह उठते हैं तो? तो सुबह उठते हैं पाँच साढ़े पाँच बजे तो काम करते करते साढ़े छः सात बजे का दिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत काम से करते हैं या फिर बाथरूम से करते हैं फ्रेश होकर, ये बताइए। पहले पहले उठते हैं तो पहले एक डेढ़ दो गिलास गर्म पानी हल्का गुनगुना पानी पीते हैं। बस एक काम कर रहे हैं आप, कुछ मत कीजिए, आप जो भी मेडिसिन है चूर्ण जो भी ले रहे होंगे ले अपने जगह पे, साथ में बस एक छोटा सा चीज ऐड कर ले, इसे आप चूर्ण ले ना ले वो छोड़ दीजिए, वो फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा। आप क्या करें जो सुबह का पानी पीते हैं उसमें दो चार दाना कह सकते हैं, एक चम्मच आधा चम्मच जो भी, बहुत ज्यादा की कड़वा भी नहीं हो जाए, वो उस पानी में आप अजवाइन डाल लेंगे, उस पानी को सुबह सुबह पी लिया करेंगे, या फिर दालचीनी डाल लेंगे, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक वो पी लेंगे। दूसरी चीज आप ये करेंगे कि अजवाइन ले लेंगे 100 ग्राम, उसको फ्राई करके तवे पे हल्का फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, उसको जला दें, हल्का फ्राई फ्राई करके उसमें आपको क्या करना है कि सेंधा नमक या काला नमक स्वाद के हिसाब से मिला लेना है। जब भी आप कुछ भी खाना खाएंगे, कुछ भी आप पानी पूरी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, कढ़ी खाओ, जो भी खाओ, खाने के अंत में एक छोटी चम्मच से एक चम्मच चबा चबा के खान लेनी है और गुनगुना पानी एक कप पीना, एक कप पीना, बस यही इतना कर लेना आपको, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर, ये कर लेंगे तो कोई बात नहीं। ओके, और ये करके और आपको जी बोलिए। सुबह की बात है सर, सुबह मतलब इससे हम लोग घर पे तो खाना बनेंगे तो साढ़े नौ दस बजे नौ बजे के पहले कुछ हो नहीं पाते, दस साढ़े दस तक खाना पीना बनती है, तो इसके पहले कुछ खाने चाहिए तो क्या खाना, उसके पहले खाना का रात चाहे तो फ्रूट से कर सकते हैं आप, बाकी आपके पास जो संभव हो वो खा ले। फ्रूट खाते सर तो फ्रूट तो खाए भी थे तो उससे गैस और ज्यादा बन जाएगी, हम ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं फ्रूट से गैस नहीं बनेगा, तो हम आपको बता दिया ना, जब भी कुछ भी खाएंगे खाने के अंत में एक चम्मच जो मैंने कहा कि आप रखेंगे और उसको वापस ले लेंगे, ये खाने का पाठ है, ना ही किसी चीज का चूर्ण है ना कुछ है, ये अजवाइन है आपका घर का, वो अजवाइन कोई भी खा सकता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, हाँ, चूर्ण तो है नहीं, हाँ मैं मेरे को चूर्ण खाने की सलाह दे दी है ना, बस आप इतना ही करें, दस दिन करें या दस दिन करके ही मुझे बताएं, ठीक है। ठीक है ठीक है सर, मुझे मतलब किसी भैया को बताओ, आपको निश्चिंत रहें आपका 99% परेशानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपका वजन कम है या फिर आप कमजोर हो रहे हैं, शरीर को लगता नहीं है। मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि मेरी हाइट 5'6" से 7" है लगभग, और मेरा वजन 54 से 55 kg, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ। तो ये चीज सबसे पहले दिमाग से निकाल लीजिए, वरना सोचते सोचते आप कमजोर या जरूर हो जाएंगे या बीमार जरूर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, बाकी भाई आप लोग बात करें और भाई होता है जी। जी भैया आप इसे बढ़ाएं, आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं बस हम। हेलो जी, नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम। बोल बेटा। हाँ जी, गोविंद भैया जी हैं ना, नहा धो के पूजा कर लेना। हेलो, अनम्यूट हे भगवान। हाँ जी, आप दीदी सवाल पूछिए। भैया आप लाइन पे हो जी, उन्हीं से ही मेरा सवाल था भैया जी। मेरा क्या है ना, एक साल पहले मतलब डेढ़ साल पहले मेरा क्या एक मिसकैरेज हुआ था, उसमें फिर कुछ भारी वजन वगैरह उठाने से मेरा काम खड़े होके करने वाला है, तो उन सब से भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा यूट्रस जो है वो खसक गया है अपनी जगह से। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, दो तीन डॉक्टर को दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह में कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया था, लेकिन मुझे पूरा फील होता था वो कि मतलब वो खसक जाता है, जैसे मैं खड़े होकर काम करती हूँ तो पूरा हिल जाता है। मान लो मैं लेट गई हूँ, बहुत टाइम तक आराम किया तो मुझे ठीक लगता था, तो मैं बहुत वीक हो गई थी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद उसी टाइम से लास्ट ईयर ही फिर प्रेगनेंसी हो गया, फिर अभी बेबी हो गया है मुझे, 2 महीने का बेबी है मेरा। तो मैं ये चाहती हूँ सर कि ये प्रॉब्लम मुझे आगे ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
दीदी ऐसा है, अगर आपको ऐसी समस्या है तो एक मेथी का, मेथी के लड्डू बना के खाएं, मेथी के लड्डू। और इस मौसम में जैसे अभी थोड़े दिन, अभी तो होली तक और अप्रैल के महीने तक तो आप बड़े आराम से सुबह शाम खा सकती हैं, और उसके बाद फिर आप उसकी जो साइज है ना, मात्र लड्डू का साइज या मात्रा आप यूं कह लें तो आधी कर दीजिएगा। जी भैया जी, एक चीज और कहना चाहूंगी ना, मेरा शरीर में बहुत गर्मी है, तो मतलब अभी डिलीवरी के बाद में एक महीने तक थोड़ा ठीक था, उसके बाद मैं कुछ भी गर्म चीजें खाती हूँ ना, जैसे लड्डू भी हम लोग खाते हैं जो बनाते हैं ड्राई फ्रूट के, तो वो भी गर्म ही करता है मुझे, मेरे शरीर को। आप ऐसा कीजिएगा, मेथी के ना लड्डू जो बनाइएगा उसमें मेथी और घी, मतलब आपको मैं मेथी के लड्डू बनाने का तरीका बना रहा हूँ, और थोड़ा सा बना के देखिएगा, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा बनाइए, अगर अगर दिक्कत लगेगी तो उसको बंद कर दीजिएगा। अच्छा आप जी, मेथी ले लीजिए, उसको एक किलो दूध में रात को भिगो दीजिए। अच्छा, दूध में भिगोना है फिर? हाँ, सुबह सुबह उसको पीस के, मेथी दाने को निकाल के पीस दीजिए, पीसने घी में भूनिए, घी में भून के इस दूध में डाल के, मतलब चलाते चलाते हलवा जैसा पूरा, मतलब गाढ़ा हो जाए जैसे बर्फी जैसा, एकदम पाक जैसा, और इसमें स्वाद के अनुसार आप इसमें खांड या मिश्री, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि गर्मी करती है तो आप मिश्री मिलाइएगा, और छोटी इलायची मिलाइएगा 25 ग्राम। कितना जी? छोटी इलायची 25 ग्राम, 25 ग्राम छोटी इलायची, 100 ग्राम मेथी में, 25 ग्राम छोटी इलायची, 25 ग्राम ही सौंफ, हाँ 25 ग्राम ही सौंफ। फिर ये जो बनेगा ये आपको गर्मी नहीं, एक मिनट आ रही है भैया जी, बोलिए। 100 ग्राम मेथी दाने को 1 किलो दूध में रात को भिगो दें, सुबह उस दूध में से मेथी दाने को निकाल के पीस के घी में भूनें, और इसमें मिलाएं छोटी इलायची का जो बारीक पाउडर मिलाइएगा, वो सबसे आखिरी में मिलाना है बनने के बाद, और अच्छा। सौंफ का 25 ग्राम सौंफ का पाउडर पहले ही मिला दें, और आखिरी में जब तैयार हो जाए आपकी मिश्री, मिश्री वगैरह डाल के सारा तैयार हो जाए, उसके बाद इसमें छोटी इलायची का पाउडर मिलाएं, फिर ये लड्डू आपको गर्म नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, मेथी गर्मी तब करेगी जब मेथी घी से बनी हुई नहीं होगी। अच्छा अच्छा, अगर घी में बना हुआ होगा तो गर्मी नहीं करेगी। अच्छा, मेथी कितना बताए थे आप, क्वांटिटी थोड़ा बताएंगे? 100 ग्राम मेथी, 25 ग्राम छोटी इलायची, 25 ग्राम सौंफ। बस छोटी इलायची का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी चीज में, यहाँ के लिए नहीं, किसी भी चीज में आप, हम नॉर्मली आपको, आप ही लोगों की भाषा में बात बताता हूँ, आप लोग खीर बनाते हो तो छोटी इलायची कब डालते हैं? जी जी, वो पहले ही डाल देते हैं हम लोग। हाँ, पहले डालते हैं, आखिरी में डालते हैं, सबसे आखिरी में डालते हैं छोटी इलायची। हाँ, हाँ, जी जी, उसकी खुशबू बरकरार रहे। हाँ, हाँ, तो उसी तरीके से किसी भी चीज में, जब कोई भी पाक बन रहा हो, कोई भी चूर्ण बन रहा हो, जैसे हम लोग मजबूती ताकतवर शक्तिवर्धक बनाते हैं, सुगंधा शतावरी और सफेद मूसली, कॉन्स के बीज, मिश्री, ये सब डाल के जब बनाते हैं, तो जिनको गर्मी करने का डर होता है तो उनके लिए इसमें छोटी इलायची मिलाई जाती है, लेकिन वो छोटी इलायची पीसी भी जाएगी अलग, सबके साथ नहीं पीसना है। हाँ, पीसना भी अलग है और डालना भी सबसे आखिरी में है। जी जी भैया, छोटी इलायची अपना गुण और धर्म दोनों नहीं बदलती, क्योंकि छोटी इलायची तासीर में ठंडी है, ठीक है। हाँ हाँ जी, मिश्री भी बताया था आपने। हाँ, मिश्री 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 मिलानी है। मिश्री कितना? वो स्वाद के अनुसार आप अपना स्वाद देख लीजिएगा, अगर कड़वा खा सकते हैं तो मिश्री ना भी मिलाए तब भी चलेगा। अच्छा अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। भैया जी, ये कितने दिन तक खाना है मुझे? देखो दीदी, हमारी गुजरात की एक दीदी है, उन्होंने लगातार 6 महीने खाए, तो उनकी जो गर्भाशय से बाहर आई हुई थी वो 80% अंदर चली गई है, जो कि 6 साल से वो अंदर जा नहीं रहा था, डॉक्टर सारे वैद्य सारे हकीम सब फेल हो गए थे।
लेकिन इस मेथी ने उनके साथ एक कमाल किया और साथ में उनको लगाने के लिए और कुछ एक्सरसाइज बताया था, तो जिनका वर्ग बाहर आया हुआ था तो उनके लिए तो थोड़ी सी और चीजें थी, आपका तो फिर भी अंदर है। और इसके अलावा अगर हम रसोई घर में दूसरी औषधि का ध्यान करें कि ऐसी कौन सी औषधि है जो गर्भाशय को पूरी तरह से सही रखती है, वो है तेज पत्ते का पाउडर। तेज पत्ते का पाउडर का काढ़ा बना के पीने से गर्भाशय मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है और गर्भाशय की कोई भी अंदर की अंदरूनी तकलीफ होती है वो नष्ट होती है। तो ये गर्म नहीं करता भैया जी? देखो गर्म तो सबसे ज्यादा आपका दिमाग करता है, ये चीजें तो गर्म करती नहीं है, गर्म करती नहीं, है तेज पत्ता, तेज पत्ता का पाउडर आपने बोला ना। आपको कोई बात नहीं, मैंने कौन सा कहा 1 किलो तेज पत्ता पाउडर खा लो। जितना आप तेज पत्ता का पाउडर से डर रही हैं उससे ज्यादा तो आप काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी और सौंफ और चाय पत्ती डाल के खा जाते हो दिन भर में। और जितनी गर्मी की बात करते हो उससे ज्यादा कि गर्मी की टेम्परेचर में तो आप लोग जून जुलाई के महीने में रहते हो। अच्छा अच्छा, ये हमारी मानसिकता है, ये मैंने तो मैं पिछले 5 साल में देख चुका हूँ, ये बड़े करीबी से समझ चुका हूँ कि हमारे हमारे मन में बहुत सारे वो बैठा पड़ा है, ये गर्म है, वो ठंडा है, ये वो चीजें ठंडी बात ही नहीं करते, सीधे गर्म की बात करते हैं। नहीं भैया जी, ऐसा है ना, अभी मेरा पहले तो मेरा शरीर पहले कफ प्रधान था, ऐसा मुझे मतलब बताते थे जिनको मैं नाड़ी दिखा के पहले कुछ दवाइयां वगैरह लेती थी तो कफ प्रधान था पहले, लेकिन अभी 2-3 साल में थोड़ा पित्त प्रधान हो गया है, इसलिए मैं पूछी हूँ आपसे। नहीं नहीं, अगर देखिए मैं उस नहीं काट रहा, लेकिन इतना आप लोगों को बता दूं कि ये जो गर्म होने की जो मन में मानसिकता है ना, इसको हटा दो, क्योंकि अगर यही बात है तो आप एलोपैथी में जब जाते हो तो वहां क्यों नहीं पूछते ये दवाई जो बना के दियो जी ये गर्म है ठंडा है, वहां क्यों नहीं पूछते? उनके 4 इंजेक्शन ठुकवाते हो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, प्रसव से पहले ना जाने कितने इंजेक्शन लगे होंगे, उस वक्त आपने पूछा ये जो दे रहे हो जी गर्म करेगा कि ठंडा करेगा? नहीं, पूरे 9 महीने आपने गोलियां खाई है, फॉलिक एसिड की गोलियां खाई है, कैल्शियम की गोलियां खाई है, आपने पूछा कि ये गर्म करेगा कि ठंडा करेगा? जी जी, अच्छा भैया जी, और जैसे अभी मेथी, मैं आपको फिर बता, एक यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि नुकसान कब करेगा, जब आप अति करेंगे, जिस तरीके से हमारे रसोई घर में सब्जी बनने वाली सब्जी में अगर हल्दी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो जीभ को काटना शुरू कर देता है, जीभ पे खराब लगना शुरू हो जाता है, नमक की मात्रा तेज हो जाती है तो जीभ अकड़ने लगता है, मिर्च की मात्रा तेज हो जाती है तो जीभ में तीखापन ज्यादा लगने लगता है, तो वो तो शरीर बता देता है कि आपको ठीक है जी, अगर आपने हमें मेथी जरूरी है तो अगर हमने 1/4 चम्मच लिया और हमें शरीर में कुछ लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है, आप 1/4 चम्मच की जगह 2 चुटकी कर दो, 6 महीने में होगा। जी जी, अच्छा भैया जी, अभी के लिए मुझे जैसे कि कैल्शियम वगैरह मुझे डॉक्टर लिख के दिए थे तो थोड़ा बहुत ली हूँ मैं, फिर बंद कर दिया मैंने, तो अभी मुझे क्या लेना चाहिए? कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे सरल और सबसे सस्ता, जहाँ 1 पैसा नहीं लगता, मैं चूने की भी बात नहीं करता क्योंकि चूने में तो तुरंत 2 मिनट में आ जाएगा जी पथरी हो जाएगा, ऐसी चीजें हैं। कढ़ी पत्ता का नाम सुनिए ना, कढ़ी पत्ता जी, कड़ी पत्ते की चटनी बनाओ या कड़ी पत्ते का पाउडर के उसकी चटनी बना के आटे में गूंथ के उसकी रोटी बना के खाओ, कड़ी पत्ते को उबाल के उसकी पानी बना के पियो, सबसे सस्ता, इससे सस्ता कैल्शियम का स्रोत नहीं है। सहजन, अगर मैं सहजन खाने की बात करूं तो सहजन आजकल 80 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन कड़ी पत्ता बहुत ही सस्ता है। अच्छा जी जी, सहजन क्या होता है? ड्रमस्टिक, मुनगा, मुनगा भी बोलते हैं इसे। हाँ मुनगा बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, सहजन के पत्ता भी खाते हैं। हाँ ड्रमस्टिक जो सांभर में डलती है भैया, मोटी वाली लंबी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, मतलब कैल्शियम का सबसे सस्ता। और ये कड़ी पत्ता आपको बता दूं अभी तक B12 को मात्र 7 दिन में बराबर कर देता है,
अगर किसी का B12 कम हो गया हो तो मात्र 7 दिन इसकी रोटी बना के खाने से, मतलब आप अपने लिए जो आटा गूंथ रहे हैं उसमें जितना आटा है उसका चौथाई हिस्सा इसका पाउडर मिला दें, एकदम बारीक पाउडर आटे जैसा, और उसकी रोटी बना के खाएं। 7 दिन बाद जाके चेक करा लीजिएगा, B12 बराबर रहता है। मेरी प्रेगनेंसी टाइम में भी ये ले सकते हैं कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के? हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया। भैया B12 की चटनी भी बना, सॉरी B12 के लिए चटनी भी बना के खा सकते हैं कड़ी पत्ते की? हाँ हाँ, चटनी बना के खा सकते हैं, सब्जी बना के खाएं, मतलब उसकी काढ़ा बना के चाय की तरह पानी में उबाल के पिए, रोटी बना के खाएं, किसी भी टाइम पे भैया जी, कभी भी। भाई रोटी में 1 चम्मच डाल दे पाउडर तो ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, एक लोई में 1 चम्मच पाउडर, एक लोई में 1 चम्मच, तो फिर आपको स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, थोड़ा कम डाल लेंगे जी। ओके, और गोविंद भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार गोविंद भैया। मेरे दाहिने कमर में और दाहिनी हिप पोर्शन में दर्द रहा, तो चीनी से फायदा होगा भैया? हाँ जी हाँ जी, जरूर होगा, जरूर करें, चोप चीनी का सेवन जरूर करें। अगर शरीर में दर्द नाम की चिड़िया घूम रही हो तो चोप चीनी का सेवन जरूर करें। भैया वो कमर में दाहिने साइड लिए हुए और हीप दाहिने वही दर्द हो, कहीं भी हो रहा हो दर्द शरीर में, कहीं भी दर्द हो रहा हो, हड्डियों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, नर्वस सिस्टम में दर्द हो रहा हो तब भी, नसों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा हो तब भी, जोड़ों में दर्द हो रहा हो तब भी, चाहे छोटे जोड़ में हो रहा है चाहे बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा हो, चोप चीनी बहुत अच्छा काम करती है। आपकी तो उम्र फिर भी बीच में होगी, ये तो 80 साल वालों को ठीक कर दिया, 80 साल वालों को जब फायदा कर सकता है तो हम जैसे 40-50 साल वालों को क्यों नहीं करेगा? जी 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 भैया जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी, वंदे मातरम। भैया जी एक चीज और पूछ रही हूँ मैं, पूछ सकती हूँ अभी? हाँ, आप आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं भी आगे। अच्छा जी जी, करेंगे। अच्छा जी, अच्छा भैया जी, जैसे कि जिनको डैंड्रफ रहता है ना, डॉक्टर्स बोलते हैं जिनको अगर बचपन से ही अगर फंगल इन्फेक्शन उनका स्कैल्प में ही है तो वो ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे खुजली है, मेरे बेटा है ना, उसको हमेशा खुजली होता रहता है सिर में, और ऐसे डैंड्रफ वाले शैम्पू से या किसी भी चीज से वो जाता नहीं है वो। सबसे पहले तो शैम्पू को हटा दो, ठीक है? हाँ, हाँ। उसकी जगह पे आप थोड़े दिन के लिए दही में फुलाया हुआ सुहागा, फुलाया हुआ फिटकरी, नारियल तेल और नींबू ये मिला के लगाएं, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन लगा दें, ताकि स्कैल्प की जो स्किन है उसकी समस्या खत्म हो जाए, और इस विधि से लगाने से सर के सोराइसिस खत्म होता है। जी जी, एक बार फिर बताएंगे भैया जी, समझ नहीं आया थोड़ा सा। सुहागा, फिटकरी और नींबू। सुहागा, फिटकरी, नींबू, दही, नारियल का तेल, मात्रा कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फिटकरी और सुहागे का मात्रा नगन मात्रा में हो, जैसे मान लीजिए कि अगर पूरे सर में 4 या 5 चम्मच लगना है तो आधा चम्मच में ही सुहागा और फिटकरी होना चाहिए, नींबू भी उसी हिसाब से आधा चम्मच, बाकी दही नारियल का तेल ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लगा के क्या 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 करना है भैया जी? लगा के छोड़ दो, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उसका सर धो दो किसी भी हर्बल शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से या नीम के पानी से। अच्छा, तो इसको डेली करना होता है? देखिए डेली कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन करें। अच्छा, ये डैंड्रफ वाले सारे कर सकते हैं ना ये उपाय? हाँ, डैंड्रफ वाले कर सकते हैं, डैंड्रफ वाले
इसमें से सुहागा निकाल दें, ठीक है? अच्छा हाँ, लेकिन जिनके स्केपल में कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रखी हो वो फिर सुहागा और फिटकरी डाल सकते हैं। और ऐसे सिर्फ डैंड्रफ वाले तो दही नींबू नारियल का तेल मिला के लगा सकते हैं, सरसों के तेल में नींबू मिला के लगा सकते हैं, नीम और तुलसी के पत्तों का रस लगा सकते हैं, सरसों तेल की खली आती है, सरसों तेल की खली जो खल होता है सरसों तेल निकलने के बाद जो होता है, उसको रात भर पानी में भिगो के सुबह उसमें दही या छाछ मिला के उससे लगा सकते हैं। अच्छा, होता क्या ना भैया, नारियल तेल नींबू जब तक लगाते रहो तब तक तो सही है, फिर दोबारा हो जाती है और विंटर्स में ज्यादा दिक्कत होती है। थोड़ी सी अंदरूनी पेट की खराबी के कारण होते हैं, मतलब अच्छा हाँ, मतलब जिनको बार बार डैंड्रफ हो रहा है, ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कब्ज की शिकायत है, पेट की, मतलब कोई पाचन तंत्र का कोई रोग है, मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं होता है या गैस बहुत बनती है, इस तरीके की तकलीफें होती है। अच्छा, ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ है, फिर भी ठीक है भैया। चले समापन करें, शांति पाठ कर दो भैया जी। दीपक भैया कहाँ गए? हाँ जी भैया, मुझे पूछना था। ओ, समापन समय हो गया, चलो कोई बात नहीं, कल पूछती हूँ। कोई बात नहीं, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए जी भैया। भैया मुझे पूछना था, दिमाग शांत करने का कोई इलाज है? जैसे कि कई बार ऑफिस में टेंशन हो या कुछ हो, उसके वजह से गुस्सा जल्दी आ जाता है, नींद नहीं आती, उसका कोई इलाज है क्या? ये तो ये जो आपकी जो तकलीफ है ना, उस तकलीफ से मैं सबसे ज्यादा मैं ग्रसित हूँ। ये मेरी तकलीफ नहीं है, किसी की भी तकलीफ हो तो ऐसी तकलीफों से सबसे ज्यादा ग्रसित मैं हूँ, क्योंकि मेरे मिनट एक अगले मिनट कॉल का पता नहीं कि वो कितना दुख सुना के जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है, ऐसी चीजों के लिए सबसे बढ़िया है कि दाहिनी, जब ज्यादा लग रहा हो ना तो दाहिनी नाक को बंद कर दो, उनको बोलिए कि अगर आपको जब भी कभी ऐसा लगे, चिंता स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो दाहिनी नाक को बंद कर दो, 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट बंद कर दें, और अपने उनके हाथ में ना एक क्या कहते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रिप बांधो, जैसे कलाबा होता है, कलाबा टाइप का, उनको बांधो, बोलो जी जब भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो तो इस कलाबे में अपने संकल्प के साथ इस कलाबे को बांधो कि आप एक अच्छे पति बनना चाहते हो, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर बनना चाहते हो, जो भी आपका है गोल, उसके साथ इसको आप वो रखो, और जब भी आपका स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा हो रहा है ना, वो चीजें हो रही है, तो आप उसको घुमाना शुरू करो, एक मुश्किल से शुरू में थोड़ा सा आदत डालने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो अपने साथ तो जैसा ही होता है कि मुझे जब भी ऐसा कुछ लगता है तो मैं उस बंदे को फोन कर लेता हूँ जिसको मैंने कभी पहले इलाज बताया है। कई लोग सोचते हैं कि भैया मुझे याद कर रहे हैं, भैया उन्होंने, ये नहीं पता कि भैया ने क्यों याद किया। आज मैं बता दूं, हकीकत यह है कि कई लोगों का फॉलोअप इसलिए कर लेता हूं क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था, तो मैंने कहा चल किसी का हालचाल पूछ लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी खबर मिल गई तो सारा थकावट दूर हो जाएगा, और खराब मिला तब भी कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, उसके लिए नई चीज ढूंढूंगा। जी मैं बताती हूँ ये। हाँ, और ऐसे उनको रात को दूध में घी डाल के पिलाओ, कुछ मतलब अलग से, कोई ऐसे मैं नहीं कह रहा कि आप ब्राह्मी चूर्ण डालो, आप अश्वगंधा डालो, शतावरी डालो, इन सब से भी होता है स्ट्रेस खत्म होता है, अश्वगंधा से, शतावरी से। भाई स्ट्रेस किसको होता है, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा कौन होगा, कमजोर आदमी, कहीं ना कहीं कमजोरी है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है। अगर आपको लगता है कि हट्टे कट्टे देखे हट्टे कट्टे हैं और फिर भी ऐसी हरकत है, तो कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी है, तो हमें ऐसी चीजों का सेवन कराना चाहिए, और गैस ना बने। जिनको ज्यादा एसिडिटी रहती है, पेट फूला फूला रहता है, उनका चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है जी। कुछ नहीं करना है, और नहीं तो सबसे बढ़िया एक और उपाय है, आते हैं सरसों का तेल लो, उनकी तेल की मालिश करो। मैं तलवों की मालिश करती हूँ भैया ना, बाकी शरीर पड़ोसी का है का?
नहीं नहीं पड़ोसी का नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। एक चीज बताओ, पूरा शरीर आपके घर को दे रहा है, है? आपकी सुख सुविधाएं, इज्जत, शर्म, हया, लाज, मतलब रुतबा, सब चीज, पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर दे रहा है और कह रहे हैं सिर्फ तलवों का है भगवान। भैया आप विश्वास नहीं करोगे, कभी आपकी बात कराऊंगी, बहुत सेवा करती हूँ, पूरे शरीर की मालिश हफ्ते में एक बार, और सर की मालिश हर रोज, और गर्दन की मालिश हर रोज, उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। अरे देखो, आज के समय में ऐसा माहौल, मैं हकीकत बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ है, ऐसा कोई भाई नहीं है, ऐसा कोई भाई नहीं है जो स्ट्रेस में नहीं जी रहा है। घर से निकलता है, बीवी बच्चों का टेंशन होता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस का टेंशन होता है, क्लाइंट का टेंशन होता है, किसी का लेना है, देना है, तनख्वाह आई है, ये मतलब जो भी चीजें हैं हजार, क्योंकि मैं इस चीज को झेल रहा हूँ। उसके अलावा पता चला जब भी दोस्त का फोन आया, भाई आज शाम को मेरे पास आ जाओ, और यहाँ मन में लगा यार शाम को उधर जाऊंगा तो बीवी तो डंडे मारेगी, बीवी को बोलूं कि ना बोलूं, झूठ बोलूं, क्या बोलूं, मतलब जो चीज मैं फील कर रहा हूँ वही बात बता रहा हूँ ईमानदारी से। मुझे कई बार कहीं जाना होता है तो मुझे कैसे जाऊं मैं घर पे, मतलब कुछ चीजें हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा। पहले के लोग जो थे उनको घर की तरफ से पूरा फ्री होते थे, घर की, और मतलब हमारे जो परंपराएं रही है पहले, उन परंपराओं में जब तक बूढ़ी नहीं हो जाती थी ना, तब तक उनको बीच में अंगुल करने का वो ही नहीं था, जो भी फैसला होगा माँ बोलेगी, दादी बोलेगी, वही होगा, तुम अभी मत बोलो, मतलब। लेकिन आज माँ दादी की तो कोई सुनता ही नहीं, सब घर घर देखा, एक ही गले में समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं भैया, यहाँ पे हिसाब अलग है, यहाँ पे क्या है, पूरा इन्हीं का सुना जाता है, लेकिन बाहर घर में एकदम शांत, घर का माहौल एकदम शांत है, लेकिन पता क्या था, ऑफिस की टेंशन आ जाती है, तो उससे मतलब परिवार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम लोग भगवान की कृपा से सब कुछ। अब एक छोटी सी बात बताऊं, जो उनका ऑफिस का बैग है ना, जिस जगह सोते हैं उस जगह ऑफिस का बैग नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी कपड़े पहन के ऑफिस गए हैं उस कपड़े को उसी दिन उतार के आप उस कमरे से बाहर रखो, जिस कमरे मतलब बाहर रखो। हमारे यहाँ एक मतलब कहावत है कि आपने नकारात्मक जो भी लेके आए हो उसको आप बाहर रख दो। ये कुछ चीजें होती है, मैं मानता हूँ, और करके होता भी है, फर्क होता है कि आप शरीर पे जो भी कपड़े हैं जो भी है, लेकिन आज के मतलब पहले के जमाने में शाम को भी स्नान करने का रिवाज था। आप गौर करें परंपराओं की, मैं बातों में मुझे परंपराएं याद आती है हमेशा, हमें शाम को भी स्नान करने का रिवाज था जी। और अभी गर्मी आएगा ना, गर्मी में हर कोई नहाएगा 100%, और उसके बाद देखो कैसे फ्रेश होके बैठते हैं। अब नोटिस करके देखो पिछले दिनों में, कि जब गर्मी के दिनों में आने के बाद जो स्नान करके फिर बैठते थे तो उनका मस्तिष्क कैसा था और बिना नहाए कैसा रहता है जी। कुछ चीजें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं हो सकता प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे भी मालूम है, मैं भी अभी आया हूं और मुझे नहाने के, मैं भैया मैं तो नहीं नहाने वाला, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो तो है, लेकिन कुछ चीजें अगर कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने कपड़ों को, उन कपड़ों को दूर कर दें जो आप कपड़े पहन के गए थे, और ना जाने दिन भर में कितना निगेटिव ऊर्जा, आपका ओरा पावर आपका मजबूत है तो आपका निगेटिव ऊर्जा आपकी बॉडी में नहीं टच करेगा, आपके कपड़ों पर नहीं टच करेगा। हर इंसान का अपना एक ओरा होता है जो मतलब उसकी सकारात्मक ऊर्जा है, वो किसी दूसरे के नकारात्मक ऊर्जा से वो नहीं होता, और खुद ही अगर डिप्रेशन में है और चिंता है तो उसको तो थोड़ा बहुत भी बाहर का तुरंत लग जाता है। लेकिन कुछ नहीं है, रात को दूध में घी डाल के पिलाओ, ठीक है जी सर जी भैया, वही करती बड़ा अच्छा लगेगा। मालिश करो ठीक है, और खुली छूट दे दो, करती हूँ भैया, घर में कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई ऑफिस का एक कॉल आनी चाहिए, वो फिर एकदम मतलब अपने आप में पहुंच जाते हैं, वो फिर गुस्सा आ जाता है उनको बहुत जल्दी, इसका मतलब जिम्मेदार नहीं आता, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा जिम्मेवार आदमी है अपने काम को लेकर। हाँ जी जी बहुत ज्यादा मतलब ये कह सकता हूँ कि जो ऐसे होते हैं ना उनको काम बहुत प्यारा होता है, उनको अपना होता है कि मैंने जो जिम्मेवारी है मैं उसको पूरा निभाऊं, और इंसान हमेशा जो पुरुष प्रधान की सोच ये होती है कि मुझे बाहर में ना हर काम मैं कर दूं, घर का तो ये लोग कर लेंगे जी, और वहीं पे मार खा जाते हैं। अब मैं भी हूं, मैं घर का काम करना ही नहीं चाहता,
बाहर से बाहर जो कम मर्जी काम करवा लो, लेकिन घर का काम तो वहां थोड़ा बहुत हो जाता है, चलता रहता है। ये जीवन है, पार्ट ऑफ लाइफ। खुश रहो, सेवा करो। अगर आप बोलो कि आप ये करो जी, नाक बंद करो, ये करो, तो फिर नहीं करेंगे। तो आप अपनी तरफ से उनकी सेवा नहीं, नहीं वो करेंगे, नहीं वो करेंगे, नहीं भैया वो करेंगे, मैं उनको जो बोलती हूं सब करेंगे। कलावा पहना दो। हाँ जी, कलावा। हाँ देखा, बिल्कुल कहावत है, जोरू का गुलाम। नहीं नहीं, जोरू का गुलाम नहीं, डंडा पूरा चढ़ा रखी है। नहीं भैया, कहते रहे हो खुली छुट्टी दे दो, हम बोला तो आपने। नहीं नहीं भैया, आपको बताती हूं क्या सीन है यहां पे। आपस भाई भाई बहन वाली बात है, भाई बहन वाली बात है, कुछ नहीं। भैया घर पहुंच गए। हां घर पहुंच गए, मेरे घर में कर ले सो जाए, इसलिए वही तो कह रही हूं, घर पहुंच गए। नहीं क्योंकि क्या पता है भैया, उनको कड़ा पहनाओ जी, उनको चांदी का कड़ा पहनाओ। अगर अफोर्ड कर सकती हो तो चांदी का एक कड़ा पहना दो, अगर अफोर्ड कर सकती हो तो, नहीं तो फिर कलावा पहनाओ। जी भैया, कभी भी किसी दिन कहीं पूजा हो रही है किसी मंदिर में, मतलब जहाँ गया घर में पूजा हो रही है, तो कलावा पहना दो। और उनको बोलो इस कलावे को आपको जब भी कभी स्ट्रेस फील हो रहा हो तो इस कलावे पे आप हम परिवार वालों को देखो या जो भी देखो, अपने हेल्थ को देखो, जो भी आपका टारगेट है, जो आप करना चाहते हो, उसको इसके साथ जोड़ दो। चिंता करोगे, स्ट्रेस तो किसका नुकसान होगा। हाँ बेटा, जैकेट आ गया, जैकेट आ गया, चलो ठीक है, ठीक है गुड़िया, आज समापन करते हैं, बाकी फिर कभी बात करेंगे। बहुत बात करने के लिए भाई बहनों, ठीक है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। हाँ बेटा, स्वाति शांति पाठ कर दो। हाँ बेटा, क्या चल रही है, क्या मीटिंग चल रही है बेटा, बोलो। शांति शांति पाठ करेगी भैया, बेटी कर, बेटी से करवा दो शांति पाठ। बोल यमवैदिका। हाँ बोल शांति मंत्र, जल्दी बोल। यमवैदिका मंत्र दश पुराणाः, इन्द्रं यमं महेश्वानमाहो, वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकं, यं ब्रह्म शब्दनै दिशन्ति, शैवायमीशं शिवयित्यवोचन्, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति, बुद्धस्तथारणिति बोधजैनाः, षट्क्षीयकालेति च शीकसन्ता, एति केचित् प्रकृति कुमार, स्वामीति मातेति विदेति भक्त्या, यं प्रार्थयन्ते च कतीशितारं, स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदु प्रभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरिः ओम शिवरुप्यो नमः, हरिः ओम। धन्यवादः, धन्यवाद, दीर्घायु भव, सुख भव। और ये वही गुड़िया है ना जिन्होंने वैज्ञानिकों की परिभाषा बदल दी। हेलो, हेलो ललिता, ये वही गुड़िया है ना जिसने वैज्ञानिक की परिभाषा बदल दी है। जी भैया, जी भैया, वो मेरी बेटी है, वही बहुत बेटी अच्छा है। लगा, कहाँ से सीखा है आपकी बेटी ने? नहीं सीखा नहीं, उसको वो संस्कृत पढ़ती है तो उसी में उसको सिखाया गया है, और घर में सिखाती है, सीखती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। ये आप ये देखो, इसके ये है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द साइंटिस्ट डू, यू नो, इसने जवाब दिया क्रिएट ए वायरस, क्रिएट ए पैंडेमिक, क्रिएट वैक्सीन। 7 साल की बेटी ने अपने कुछ सवाल का जवाब दिया। जबरदस्त क्लियर है भैया, वॉइस बहुत क्लियर है। और यही नहीं कि स्कूल में इसको एक बार लेटर लिखने के लिए बोला कि सैनिटाइजर और मास्क का यूज के लिए लेटर लिखो अपनी अपनी दादी को या अपनी दोस्त को, उस लेटर की पिक्चर मैं आपको भेजूंगी। इसने सब कुछ उल्टा लिखा और उसके बदले इसको मार्क्स मिले 20 में से 4।
तो फिर इसको बोला कि भाई ऐसे क्यों लिखा, बोलती है भाड़ में जाए लिखा लिखा जो है है। तो संस्कृत आप साउथ अफ्रीका से इसको कैसे करवाते, स्कूल में संस्कृत है? नहीं नहीं स्कूल में संस्कृत नहीं है, पहले तो घर में सिखाते हैं, फिर इसको प्राइवेट ट्यूशन भी दिया हुआ है मैंने ऑनलाइन, घर में भी सिखाती हूँ। आप स्टडी करवाते हो? जी जी जी, मुझे इतनी आती नहीं है, इसको मुझसे ज्यादा आती है, लेकिन शुरुआत में मतलब थोड़ा मैंने पुश किया, फिर इसके लिए प्राइवेट ट्यूशन ढूंढा तो वो सीख गई। और उसको मंत्रों का बहुत, सब जब से 3 साल है तब से वो मंत्रों वगैरह में मतलब है, उसको बहुत शौक है। उच्चारण बहुत क्लियर है उसका, बहुत क्लियर, एक एक वर्डिंग बहुत क्लियर है। वो पूरा संस्कृत में बात करेगी, आप उससे पूछोगे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, वो बोलेगी संस्कृत। संस्कृत मैंने भी पढ़ी हुई, लेकिन बहुत क्लियर है उसकी वॉइस। धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यशस्वी भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु। धन्यवाद। वंदे मातरम।